purpose of this activity is to verify the Ohm's law or to note down the pattern or the relation between V and I. V और I के बीच में क्या relation है या इनका ratio कैसे देखना है. अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक सेटअप बनाया और इसमें हमने क्या बनाया, एक नाइक्रोम का वायर लिया जिसकी लेंथ क्या है, एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच में हमने कनेक्ट किया हुआ है और इसकी लेंथ है 0.5 मीटर. ये खास इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नहीं है क्योंकि हम लेंथ चेंज करने वाले नहीं है, तो रेजिस्टेंस हमारा चेंज नहीं होगा बिकॉज लेंथ हमारी सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमारा क्या है, 0.5 मीटर जो है यहाँ पे आपके पास कॉन्स्टेंट लेंथ है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी क्या है, सेम. क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमारा सेम है तो आर इज सेम. तो ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है. इंपॉर्टेंट बात है वोल्टमीटर और एमीटर के रीडिंग. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, ये एक हमारे पास वोल्टमीटर है जो यहाँ पे एक्स और वाई के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको मेजर करेगा. ये हमारा करंट एमीटर है जो करंट को मेजर करेगा, आई को मेजर करेगा और ये वी को मेजर करेगा. अब हमने करना क्या है, ये आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो डॉटेड लाइन लगी हुई है इनका मतलब ये है कि अगर आपने पहले एक सेल को सर्किट के अंदर रखा है, अगर यहाँ पे आपका कनेक्शन बना हुआ है तो बस ये इतना ही आपके सर्किट का पार्ट है. तो आपने क्या किया, वी वोल्ट लिया आपने, ठीक है, आपका जो इनपुट है वी वो वी है और आपका जो करंट है, मान लीजिए हमने पहले आप कितना ले लिया वी, तो इस पर हमने अज्यूम करा कि करंट कितनी आ गई हमारे पास, आई करंट आ गई. वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी, ये वोल्टमीटर की रीडिंग है और ये आपकी एमीटर की रीडिंग है. उसके बाद आपने क्या किया, इस पॉइंट को यहां पे लगा दिया. अब कनेक्शन जो आपने यहां से किया तो आपने क्या किया, 2V आपने रीडिंग ली. अब वोल्टमीटर जो आपने आपका जो शो करेगा वो वोल्टमीटर दिखाएगा कि 2V वोल्टेज आप कनेक्ट कर रहे हैं यहां पे, ठीक है. तो इसके हिसाब से करंट भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी और वो आएगी आपकी 2I. फिर आपने यहां पे लगा दिया थर्ड वाले केस में, फर्स्ट एक बार यहां पे, सेकेंड यहां पे, थर्ड यहां पे, और अगर आपने ये 3V कर दिया तो करंट भी आपकी 3 टाइम हो जाएगी. और फिर लास्ट में अगर आपने यहाँ पे लगा दिया इसको फोर्थ पे तो फिर 4V होगा, तो फिर करंट भी आपकी कितनी हो जाएगी, 4I. ये आप पैटर्न नोट कर सकते हैं लेबोरेटरी में वोल्टमीटर और एमीटर का. तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी करंट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. और क्योंकि रेजिस्टेंस आर क्या है आपका, वो यहाँ पे सेम है, तो V और I का जो रेशियो रहेगा इन चारों रीडिंग का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा, V बाई I ही आएगा. और ये V बाई I किसको रिप्रेजेंट करता है, R को. अब यहाँ पे एक नई चीज़ आपको देखने को मिली है, नाइक्रोम. तो बेसिकली क्या है कि नाइक्रोम एक प्रॉपर्टी तो कंडक्टर वाली ही होती है कि करंट के फ्लो को अच्छा कौन करता है, लेकिन ये है बेसिकली एक एलॉय. और एलॉय में इसमें हमारे पास निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन के मेटल जो है इसमें मिक्स रहते हैं, ठीक है. तो इस एक्टिविटी से हमें ओम्स लॉ का वेरी